ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो। जिस समय हमारा पुण्योदय चल रहा था, उस समय हम जिस क्षेत्र में हाथ डालते थे, उस क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त होती थी। आखिर एक दिन पुण्य का उदय पूर्ण हुआ और हमें धंधे में जबरदस्त नुकसान हुआ। कल तक के करोड़पति हम आज रोड़पति बन चुके थे। सामने से आकर हमारे यहाँ ब्याज पर पैसे रखकर जाने वाले लोग अब अपने पैसों की अदायगी के लिए पठानी वसूली करने लगे। हमने अपनी जमीन जायदाद आदि बेचकर सबको उनके पैसे लुटाए। कल तक हमारे आसपास मंडराने वाले आज हमसे नजरें चुरा रहे थे। हमने एक पार्टी के पैसे लिए थे। पैसों के बदले हमने उसे चेक दिया हुआ था, वह चेक रिटर्न हो गया। उस पार्टी ने हम पर केस ठोक दिया, हम पर क्रिमिनल केस हो गए। हमने उस पार्टी के साथ समाधान करने का प्रयास किया, मगर उस पार्टी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। वकील नियुक्त करने और उसकी फीस देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारी जिंदगी के दुखमय दिन में हम परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरेश्वर जी महाराजा के पास पहुँचे। साधना तीर्थ विद्याशाला में विराजमान साक्षात गुरु की भावपूर्वक पूजा की, दादा की आराधना की, प्रभाविक मंत्र जाप किए और दादा को विनती की, हे दादा, आज हमारे पास मात्र आपके नाम की श्रद्धा की पूंजी है, बाकी अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारी रक्षा कीजिए, हमें एकमात्र आपका ही भरोसा है। इधर हम दादा को प्रार्थना करके आए, उधर दूसरे ही दिन मेरा एक पुराना मित्र मेरी विनती या मिन्नतों की राह देखे बिना ही सामने से मेरी मदद के लिए आ गया। उसने मुझे ढांढस बंधाया, उसने एक वकील की व्यवस्था कर दी और उस वकील की फीस भी उसी ने भरकर हमें निश्चिंत कर दिया। यह सारी व्यवस्था हो जाने के बाद केस चला। यह हमारा पापोदय ही था कि एक अच्छे वकील के हाथ में केस होने के बाद भी हम लोग वह केस हार गए। मेरा व्यापार श्राविका के नाम से चल रहा था और धंधे की देखभाल मैं करता था। हम दोनों को ही 6 महीने की सजा हुई। हम तो इस सजा के बारे में सुनकर ही भौचक्के रह गए। प्रतिष्ठित परिवार के सदस्यों के लिए तो जेल का नाम सुनना भी मुश्किल भरा हो जाता है। हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं था। कुछ घंटों के लिए हमें जेल जाना पड़ा, फिर हमें जमानत मिली और हम छूट गए। हमारा केस हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में वकीलों की 15-20 लाख की फीस चुकाने की हमारे पास सुविधा नहीं थी। इसके बावजूद दादा की कृपा से पूज्य साध्वी जी रत्न प्रभा श्री जी के एक भक्त हमारी सहायता के लिए आ गए। उन्होंने कहा, आप कोई चिंता मत करना, दादा बैठे हैं, दादा का आदेश है, मैं साथ ही हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। हम लोग स्वयं के पास कुछ भी ना होने के बाद भी दादा के होने से सब कुछ होने की अनुभूति कर रहे थे। यह बात पूर्णतः सत्य है कि पूरी तरह टूट जाए ऐसी विषम परिस्थिति होने के बाद भी हम उस समय टिक गए। इसका एकमात्र कारण दादा ही थे। हमारे पाप कर्मों का भयंकर उदय था कि हम हाई कोर्ट में भी केस हार गए। हमें फिर से 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। उस समय हमारे बेटे ने खूब भाग दौड़ की, खूब पहुंच लगाई और हमने दादा से खूब प्रार्थना की। जहां जेल के नाम से भी डर लगता है, वहां हमें 6 महीनों तक जेल में रहना था। हमें जेल में ले जाया गया, लेकिन एक दिन जेल में रखने के बाद ही हमें जेल से छोड़ दिया गया। लोग हमारे जेल से छुटने के बहुत से कारण मानते हैं, परंतु मेरे दिल में दृढ़ श्रद्धा है
कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हम एक ही दिन में जेल से छूट गए, उसके पीछे का एकमात्र कारण दादा ही है। दादा की कृपा के बिना ऐसा होना असंभव ही है। प्रकट प्रभावी दादा के अचिंत्य प्रभाव से जब उनका भक्त संसार की प्रकट प्रभावी दादा के अचिंत्य प्रभाव से जब उनका भक्त संसार की जेल से छूट सकता है, तो इस मामूली सी जेल की तो बिसात ही क्या है। महत्व की बात यह है कि हमारे दुख के समय में भी दादा के प्रति हमारी श्रद्धा में कहीं भी कोई कमी नहीं आई। जब हमें जेल ले गए, तब मैं अपने साथ दादा के फोटो के अलावा कुछ भी नहीं ले गया था। मेरी तलाशी ली गई और मेरी जेब से दादा का फोटो निकला। उस समय मैंने जेलर से विनती करते हुए कहा कि यही मेरे जीवन सर्वस्व है, कृपया इन्हें मेरे साथ रहने दीजिए। प्लास्टिक कोटेड फोटो को जेल के अंदर नहीं ले जाने देते हैं, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता है, कोई भी व्यक्ति उससे अपना गला काट सकता है। यह बात नियम विरुद्ध होने के बावजूद जेलर ने मुझे अपने साथ वह फोटो ले जाने दिया। दादा के प्रभाव से हम बहुत ही थोड़े समय में जेल से बाहर आ गए और आज समाज के बीच सम्मान के साथ जी रहे हैं। एक बार जेल में जाने से आपके माथे पर काला टीका लग जाता है। लोग अंगुली दिखाकर बताते हैं कि क्या आप उसको पहचानते हो, वो जेल जाकर आया है। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के बीच कोई व्यक्ति स्वस्थ रहकर जी पाए, यह दादा की कृपा नहीं तो और क्या है। काश मेरा घर तेरे मंदिर के करीब होता, बात करना न सही दर्शन तो नसीब होता, बात करना न सही दर्शन तो नसीब होता। आज किसी ने कहा भुला क्यों नहीं देता उसे, आज किसी ने कहा भुला क्यों नहीं देता उसे, मैंने कहा इतनी फिक्र है तो मिला क्यों नहीं देता उसे, मैंने कहा इतनी फिक्र है तो मिला क्यों नहीं देता उसे। मैं हर रोज गुनाह करता हूँ, तू हर रोज माफ करता है, मैं हर रोज गुनाह करता हूँ, तू हर रोज माफ करता है, मैं आदत से मजबूर हूँ, तू रहमत से मशहूर है, मैं आदत से मजबूर हूँ, तू रहमत से मशहूर है।